आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। सर, कैसा रहा आपका मुंबई तक का सफर? बहुत अच्छा था। चलिए, आपका नया घर आपका वेट कर रहा है। हम भी अपने नए घर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। वेलकम टू मुंबई, मिसेस कुमुद सरस्वती चंद्र व्यास। आइए सर। चलो। सर, यह है आपका नया अपार्टमेंट। यह है लिविंग रूम। इस तरफ आइए। सर, यह किचन है, यह वॉशरूम और वहां पे आपका बेडरूम। किचन, बाथरूम साथ। वो बाकी बॉम्बे के घरों में ऐसे ही होता है, किचन बाथरूम कभी कभी साथ साथ होते हैं, इसलिए। आंगन कहाँ है? आंगन? कुमुद, मुंबई के घरों में ज्यादातर आंगन नहीं होते। फिर हम अपने वो गमले पौधे सब कहाँ रखेंगे? कहीं नहीं मैम, एक्चुअली बिल्डिंग में अलाउड नहीं है, और अगर दीवारों पे पानी गया तो यहाँ के लोग कंप्लेन करेंगे। I understand, ma'am. So, sir, फ्लैट पसंद आया आपको? नहीं पसंद आया सर, हम यहाँ नहीं रहेंगे प्लीज। क्या हुआ मैम, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? क्या प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से ना हवा आ रही है ना धूप आ रही है, और ऊपर से पौधे भी नहीं लगा सकते। सरस, यहाँ आते ही ना मुझे ऐसे ऐसे घुटन सी हुई सरस। और फिर पूजा घर कहाँ बनाएंगे हम? ये घर तो शुरू होते ही खत्म हो जाता। और ये देखो, ये जाली, ऐसा लग रहा है कि हम कैदी है। कुमुद, ये जाली इसलिए लगाई गई है ताकि कोई अंदर ना आ सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, इसलिए लगाई गई है जाली। सर ठीक कह रहे हैं मैम, आप जो कह रही है वैसे फ्लैट्स मुंबई में मुश्किल है मिलना। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि हमें बड़ा घर चाहिए, हमें छोटा सा घर भी चलेगा, लेकिन थोड़ी सी तो हवा धूप कुछ तो आए, ये ऐसे बंद गोदाम जैसे नहीं चाहिए। आप देखो कुमुद, एक बार जब यहाँ पे रहना शुरू कर देंगे ना तो ये गोदाम तुम्हें घर लगने लग जाएगा, समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हर घर का एक एहसास होता है। देखो सरस, मैं जानती हूँ कि हमें रत्ननगरी जैसा घर नहीं मिलेगा और ना ही मुझे चाहिए। मैं बस ये कह रही हूँ कि हमें थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए, शायद हमें इससे अच्छा घर मिल जाए। प्लीज। वी आर रियली सॉरी, हम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। आप स्टेट एजेंट से बात करके कुछ और घर दिखा देंगे हमें? जी सर, मैं पता लगा के आपको फोन करता हूँ। आइए चलते हैं सर। थैंक यू। चलो। इतना बड़ा शहर है लेकिन शहर में जगह ही नहीं है, होटल के कमरे भी इतने छोटे छोटे से। ये होटल का कमरा है तो छोटा ही होगा ना। नहीं, अच्छा एक काम करते हैं, आज रात को यहाँ रह लेते हैं, कल जाएंगे, जैसा तुम्हें घर चाहिए ना वैसा ले लेंगे, ठीक है? सिर्फ जैसा मुझे चाहिए?
तुम्हें नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे, मतलब मैं नाटक मेरे कहने का ये मतलब है जैसा तुम्हें चाहिए जैसा मुझे चाहिए वैसा घर लेंगे, जहाँ पे हवा हो, धूप आती हो, छोटे से गार्डन हो, वैसे ही घर मुझे भी चाहिए। अब ये काम करो, जाके मुंह हाथ धो लो, मैं खाना ऑर्डर करता हूँ, बहुत भूख लग रही है। हाँ माई, कैसे हो? कहा था ना पहुंचते ही फोन करना। हाँ माई, अभी तो पहुंचा हूँ। भले भले, कैसा है सब वहाँ? नए घर में कैसा लग रहा है? नए घर पहुंचे ही कहाँ, आपकी लाडली को घर ही पसंद नहीं आया। हे भगवान, अब तो अभी कहाँ हो तुम लोग? होटल में माई, कल जाएंगे ढूंढने के लिए घर, जैसा रानी साहिबा को चाहिए। देखता हूँ रत्न नगरी की राजकुमारी को कोई घर पसंद भी आता या नहीं आता यहाँ पे। नहीं नहीं बेटा, अपना घर जो हो जैसा भी हो उसी में खुश रहने वाली है मेरी कुमुद। जानता हूँ माई, मजाक कर रहा, बचपन से इतने बड़े घर में रही है, अब छोटे कमरों में कुछ तो अजीब लगेगा ही उसे। मगर आप फिक्र मत कीजिए, आपकी लाडली के लिए कल महल ढूंढ लूंगा मैं। माई मुझे फोन रखना पड़ेगा, इमरजेंसी आ गई। ओके गुड नाइट बाय। अरे सुन तो, बड़ी माँ से मेरी शिकायत लगा रहे थे। नहीं नहीं, मैं तो फोन पे बात कर रहा था। कैसा लग रहा है फोन? देखो अच्छा। मैं जा रही हूँ। कुमुद बाबा, मिस्टर हस्बैंड, जल्दी से कुछ कर लो, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। कुमुद, खाना ऑर्डर कर दिया है, जल्दी बाहर आ जाओ प्लीज। लगता है फर्स्ट टाइम मुंबई आए मैडम। जी तो कहाँ से हैं आप? रत्नगरी से। हम वैसे हम भी इलाहाबाद से हैं, पर यहाँ आने के बाद यही क्यों हो गए? एक बार मुंबई जो आया वापस कभी नहीं जाता, पर आपका अगर रहना है आपको तो हर चीज में मांडोली करना पड़ता है। एकदम सही बोला भाई। क्या बोला आपने? मांडोली मुंबई का शब्द है, मतलब समझौता। एकदम सही, आप तो हो गए मुंबई के। सर मैं भी आपको मुंबई की सबसे बेस्ट लोकेलिटी में लेके चलता हूँ, लोखंड वाला। पर वहाँ पर घर तो अच्छे हैं ना? एकदम बढ़िया है, 24 घंटा पानी, लिफ्ट और सब फैसिलिटीज है, देखते ही आप डन कर दोगे। ठीक है वहीं ले चलिए। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। पर क्या हुआ मैडम, इतना अच्छा फ्लैट है, 2 बेडरूम है, 1 में अटैच बाथरूम है, और आपको कपड़े सुखाने की जगह है, और आपके यहाँ वॉशिंग मशीन रखने की भी जगह है, और आपको गार्डन बनाना है मैडम, आप यहाँ बना सकते हैं गार्डन। ये गार्डन है, मुश्किल से 2 पौधे आएंगे यहाँ पर। नहीं नहीं कुमुद, 4-5 आ जाएंगे। मैं तो सिर्फ कह रहा था आज। ठीक है मैडम, मैं आपको बहुत अच्छी डील देता हूँ, इतने अच्छे फ्लैट के हिसाब से इतना कम भाड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिलीव मी सर। देखिए ये कम नहीं है, इन माचिस के डिब्बे जैसे घर के लिए हम इतना भाड़ा नहीं देंगे बस। मुंबई में रेंट्स ऐसे ही होते हैं। अरे मेरी बात तो सुनो कुमुद। बहुत थक गई मैं, भूख भी लग रही है, कुछ खा ले। भूख तो मुझे भी लग रही है। कुमुद इतने सारे फ्लैट्स देख लिए, कोई भी पसंद नहीं आ रहा, मगर मुझे लगता है जो सबसे पहले देखा था ना कंपनी वाला फ्लैट वही बेस्ट था, उसी को ले लेते हैं। सरस वो बाकी हर लिहाज से सही है शायद, पर
कैसे समझा तुम्हें, वहाँ कुछ तो गलत था, पता नहीं ऐसे घर जैसा महसूस ही नहीं हो रहा था। प्लीज सर, हम कोई अच्छा घर ढूंढते हैं ना। सर एक और फ्लैट है, देख ले। हाँ देख लेते हैं, पर पहले कुछ खा लेते हैं। कोई अच्छा रेस्टोरेंट है आसपास? बहुत है सर, चलिए आपको मुंबई के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में लेके चलते हैं, जहाँ आपको गुजराती थाली भी मिल जाएगी। गुजराती खाना तो हम रोज ही खाते हैं, कुछ यहाँ का खाना जहाँ मिल सके सबसे अच्छा। एक काम कीजिए, ऐसी कोई जगह ले चलिए जहाँ पे मुंबई की सबसे फेवरेट डिश मिलती है। हाँ, पूरे मुंबई में तो एक ही प्यारा डिश है सर। क्या? कौन सा? वड़ा पाव। सही कह रहे हैं, यहाँ की स्पेशलिटी है वड़ा पाव। ठीक है, वड़ा पाव खिला दीजिए। ठीक है सर। कितना फनी है ना अनुष्का, क्या फोटो लिए तुमने, कबीर को पहले कभी ऐसे नहीं देखा। इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है? तुम अपना रंगा हुआ चेहरा नहीं देखोगे? देखना चाहते हो? देखोगे? एक तो चोरी छिपे फोटो खींचते हो, ऊपर से हंसी उड़ाती हो। अरे कबीर बेटा, इसने तो खाली फोटो दिखाई हमें, मजा तो हमें आया। काका आप भी? अरे कबीर, इतनी छोटी सी बात है, क्यों गुस्सा हो रहे हो? आओ बैठो यहाँ पे। अरे आओ। अरे बैठो बेटा, आ जा बैठो बैठो। अरे कुमुद बेटा, सबके लिए चाय तो बना दे फटाफट। विद्या भाई, देखा ऐसे ही होता है। कुमुद और सरस को गए हुए कितना वक्त हुआ है, फिर भी अभी से दोनों की कमी महसूस हो रही है। हाँ, कुमुद और सरस की कितनी खास जगह है इस घर में, उनके बिना घर कितना खाली खाली लगता है। और बुआ जी, ये कुसुम भी ना, देखो अपनी दोस्त के वहां जाकर बैठ गई है। नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना, मैं सबके हिस्से की बात कर लूंगी। बेटा वो बोलने की जरूरत नहीं। किसी की कमी महसूस ही नहीं होने दूंगी। इसी बात पे आप सबके लिए मेरे हाथ की चाय। हो जाए हो जाए, लेकिन कड़क और मीठी। अरे काठियावाड़ी। कितनी हसमुख है ना छोकरे, भगवान करे हमेशा ऐसी ही रहे। लगता है किसी की कमी महसूस नहीं होने देगी। महसूस कैसे होगी काका, इतना बोलती है कि सारे सेंसेस बंद हो जाते। हमारे तो नहीं हुए, लेकिन लगता है तुम पे बहुत असर हो रहा है उसका। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आइए मैडम जी। भाई बढ़िया से वड़ा पाव खिलाइए। जी अभी बनाते हैं। ये लीजिए सर, मुंबई का मशहूर गर्मा गर्म वड़ा पाव। ऐसे खाते हैं, मैंने देखा था। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत तीखा है। सरस कुसुम यहाँ होती ना तो उसे ये बहुत अच्छा लगता। काश सब यहाँ होते। सर जी, मैडम जी को वड़ा पाव लगता है बहुत पसंद आया, पूरी मुंबई की हो गई है। भाई साहब, पहले आप इनकी पसंद का इन्हें घर दिलवा दीजिए, तब जाके ये मुंबई की होंगी। सर आप टेंशन मत लीजिए, वो भी मिल जाएगा। चलो कितना हो गया भाई साहब? सर 20 रुपये। चलिए सर।
ये क्या कर रहे हो तुम? अच्छी तरह जानता हूँ जानबूझ के करते हो सब। क्या क्या मुझे इरिटेट करती हो? लेट मी वॉर्न यू, फैक्ट्री में मैं चुप रहा इसका मतलब ये नहीं कि हर टाइम चुप रहूंगा मैं। एक मिनट, मैंने क्या किया? क्या किया? हर जगह मुझे फॉलो करती हो, कहीं भी जाके रहो मेरे सामने खड़ी। सी एग्जैक्टली। लिसन, ये बात ना मैं भी बोल सकती हूँ। और एक बात बोलूं, अपने आप को इतना ग्रेट समझना ना बंद करो, क्योंकि तुमसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लोग हैं इस दुनिया में, तो मुझे तुम जैसे सड़ू के पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं। ओके, यू जानबूझ के करती है सब। तुम्हें मजा आता मुझे तंग करने में? ये क्या कर रही हो तुम? वेरी गुड, अपने बाल ही काटो ताकि लोगों को देखते ही पता चल जाए कि आधी पागल हो तुम। ये क्या? अपना पैटर्न संभालो। इडियट। मैडम को दिखाने से पहले मैं ये बात कह दूंगा, ये जगह मैडम को जरूर पसंद आनी है। आइए, यहाँ हवा भी अच्छी है, धूप भी आती है, और भाड़े की बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, मैं जितना कम करवा दूंगा। और वैसे भी पानी 24 घंटे आता है। क्या हुआ? सरस, हम यही घर लेते हैं। कुमुद, वो आदमी ने कहा कि घर उस सोसाइटी में, यहाँ पे नहीं। मैडम सर, क्या हुआ? फ्लैट इस सोसाइटी में नहीं, फ्लैट उस वाली सोसाइटी में। हाँ, मैं वही कह रहा था इनसे। लेकिन मुझे इस सोसाइटी में घर देखना है। देखो ना सरस, खुला खुला है, हवा भी आ रही है, चहल पहल भी है, बगीचा भी है। लेकिन मैडम, इस सोसाइटी में कोई फ्लैट खाली ही नहीं है। देखिए, मेरी वाइफ को ये सोसाइटी बहुत पसंद आई, आप प्लीज यहाँ पे कुछ अरेंज करवाइए ना। मैं इसी एरिया में रहता हूँ, यहाँ पर कोई फ्लैट खाली ही नहीं है। अगर कोई खाली होता तो मैं आपको बेशक बताता था। एक फ्लैट खाली है, पर वो मकान मालिक ने बंद कर रखा हुआ है, वो भाड़े पर देना नहीं चाहता। एक बार बात तो करके देखिए उनसे। देखिए मैडम, ये वो फ्लैट 5 साल से बंद पड़ा है, काफी लोगों ने वो भाड़े पर लेने की कोशिश की, लेकिन वो मकान मालिक किसी से बात करने को तैयार ही नहीं है। तो बेमतलब टाइम बर्बाद करके कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपको इससे भी अच्छे अच्छे फ्लैट दिखाता हूँ ना। एक बार हम उनसे बात कर सकते हैं, शायद कुछ हो। मैडम, कोई मतलब नहीं है, बड़ा जिद्दी किस्म का इंसान है, वो नहीं देगा फ्लैट। देखो कुमुद, अब कोई और फ्लैट देखते हैं ना, आगे चलते। सर, इस कोशिश करने में क्या हर्ज है, मुझे इसी सोसाइटी में फ्लैट देखना है। सर, देखो, हम इतना भाड़ा दे रहे हैं, इतने में तो हम घर खरीद सकते हैं। अरे, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आपको घर खरीदना है तो बताइए, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट दिखा सकता हूँ। एक मिनट भाई साहब, हम यहाँ पे सिर्फ 6 महीने के लिए आए हैं और 6 महीने के बाद वापस रत्न नगरी चले जाएंगे। आप खरीदना, इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, आप यहीं कहीं कुछ दिखा दीजिए हमें। जी देखिए, अगर हम इतना भाड़ा दे रहे तो मनचाहा घर भी तो मिलना चाहिए ना, इसलिए हम घर यही देखना चाहते हैं। तो देख लीजिए। हाय प्रशांत त्यागी, जो फ्लैट आप देखना चाहते हैं उसका ओनर। मैं सरस्वती चंद्र और ये मेरी पत्नी है। नमस्ते। नमस्ते। लेकिन सर, आप ये फ्लैट रेंट पे दे रहा हूँ। क्यों? नहीं सर, अच्छा है, ये लोग आपका ही फ्लैट लेना चाहते हैं। तो एक बार आप फ्लैट अंदर से देख लीजिए। जरूर, थैंक यू। उम्मीद है आपको फ्लैट जरूर पसंद आएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।